विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ पहुंच चुका है। बातचीत करेंगे विपक्ष के विधायक मनोज रावत जी हैं, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले 310 से लेकर के कार्यस्थगन तक, क्या कुछ आज विषय जो है विपक्ष उठाने वाले। देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हमारी ओर से, कांग्रेस की ओर से दो प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो इस विधानसभा के कार्यकाल के में पहली बार प्राइवेट मेंबर बिल आ रहे हैं। मेरी द्वारा आज जो जमींदारी उन्मूलन एक्ट और भू व्यवस्था अधिनियम की जो दो धाराएं 2018 में परिवर्तित करके उत्तराखंड में राज्य सरकार ने भूमि की खुली नीलामी शुरू कर दी थी, उनको निरस्त करने के लिए मैं प्राइवेट मेंबर बिल ला रहा हूं। और हमारे साथी विधायक माननीय हरीश धामी जी, जो चार धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट है उसको निरस्त करने के लिए, उसके निरसन के लिए विधेयक ला रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए, क्योंकि चार धामों पर ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल इस लिहाज से हैं। अच्छा राव जी, मतलब देवस्थानम बोर्ड और भू कानून, ये दो विषय जो है आज आप प्रमुखता से उठाने। जी हाँ, ये दोनों विषय राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, इसलिए इन दो विषयों को आज प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में, जिनको असरकारी बिल कहते हैं, उनके रूप में आज लाया जा रहा है। तो ये थे विपक्ष के विधायक मनोज रावत जी। और जिस तरह से बता रहे हैं कि आज जो है सदन के भीतर जो है भू कानून और देवस्थानम बोर्ड का जो मुद्दा है वो गर्मा सकता है। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।